श्रीनगर में 3 हाइब्रिड आतंकी गिरफ्तार, हथियारों की बड़ी खेप भी जब्त। सेना ने आज नायक गायकवाड़ मनोज लक्ष्मण राव, लास नायक मुकेश कुमार और गगनर सोविक हाजरा को श्रद्धांजलि की अर्पित। कुपवाड़ा के माचल सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास 18 नवंबर को सर्वोच्च बलिदान दिया था। कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के आधिकारिक तौर पर बिजली कटौती कार्यक्रम की घोषणा के बाद भी घाटी के विभिन्न हिस्सों के उपभोक्ता बिजली कटौती और कम वोल्टेज की शिकायत पर कश्मीर के विभिन्न हिस्सों के निवासियों ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से तत्काल हस्तक्षेप की मांग। सड़क हादसे में एक और एसपीओ की मौत, जम्मू के दुमेल क्षेत्र में बाइक और कार की टक्कर में एसपीओ की मौत। एलएमसीएमए ने दल निगिन झील के आसपास कई अवैध निर्माण कार्यों को गिराया। अनंतनाग में आतंकियों की फायरिंग में ही ढेर हुआ लक्षर का आतंकी, सुरक्षा बलों पर किया था हमला। फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर बोले, अगले जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में लेंगे हिस्सा। जम्मू कश्मीर के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना, कश्मीर में बादल छाए रहेंगे। फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, बोले भगवान राम विश्व के भगवान है, वे सिर्फ कुछ लोगों के नहीं है। तापमान कम होते ही कम हो रहे डेंगू के मामले, इस महीने में सबसे कम 47 मरीजों में डेंगू की पुष्टि। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिला के लोबाल के डाइवर गांव में आधी रात को भीषण आग लगने से 2 नाबालिग लड़कों की मौत, जबकि 3 आवासीय घर जलकर खाक। G20 प्रतिनिधियों का स्वागत करने के लिए तैयार जम्मू कश्मीर, जम्मू नागरिक सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक। देश में कम हो रहा कोरोना का असर, 24 घंटों में आए 492 नए मामले, एक्टिव केस भी हुए कम। डाटा प्रोटेक्शन बिल के तहत डाटा चोरी करने वालों की अब खैर नहीं, अब लग सकता है 500 करोड़ रुपए का जुर्माना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में राहुल गांधी और कांग्रेस पर साधा निशाना। रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आप उनके साथ यात्रा कर रहे हैं जिन्होंने नर्मदा डैम का विरोध किया। दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी बने नाना, ईशा अंबानी ने जुड़वा बच्चों को दिया जन्म।